नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके से लाइन में। अद्वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 के लिए अनिवार्य हिंदी का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। तो अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं और अद्वार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं उनके लिए वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये लीजिए, आपके लिए अद्वार्षिक परीक्षा पेपर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, ये तो आपको पता होगा कि कितने नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और अपन देख लेते हैं कि पूरा पेपर है वो उसमें क्या क्या आपके आएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखिए, पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा, अपठित गद्यांश, उसको पढ़ना है और पढ़कर प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो आई होप आप इजीली दे पाएंगे, कक्षा 11 में पढ़ते हैं अब तो पैसेज पढ़ के आराम से आंसर आपको देना आता है। देखिए, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है वह अपने अभाव से दुखी नहीं होता, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। कुल मिला के जो पैसेज है, जो गद्यांश है, उसमें यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है, ईश्वर व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की वस्तु को देख के क्या करता है, ईर्ष्या करता है, उनसे वो दुखी रहता है। खुद के पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दूसरे के पास है तो भाई उसको बहुत दुख होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ये पेपर पढ़ते हैं और इन पेपर के पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपके एग्ज़ाम अच्छा होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पर्सन देख लिए हैं जो अद्वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और वो आपके एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। लेकिन जो नहीं देखता है वो पछताता है कि यार इसको कहाँ से हो गया, ये फलाना टीम का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ईर्ष्या के भाव होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है, तो अभी अभी हमने पहली लाइन में पढ़ा कि दूसरों की जो वस्तुएं हैं उनको देख के वो क्या करता है, दुख उठाता है। अपनी तुलना दूसरे के साथ कौन करता है, तो सीधी सीधी बात है भाई, ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो ही अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। ईर्ष्यालु अपनी पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता है। क्यों क्यों नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है। ये सारी बातें आपको पैसेज में मिल जाएगी। देखिए देखिए यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो आदत से लाचार होकर उसे वेदना बढ़ने पड़ती है। अब यहाँ पे आप कहाँ पे पढ़ेंगे इस चीज़ को कि वो इसके लिए बारे में बात करता है, तो ये देखिए यहाँ पे, एक उपन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर ही चिंता में निग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपमान क्यों नहीं मिला। ठीक है, इस प्रकार से वो अपनी जो वेदना है वो भेलता रहता है। यहाँ पर देखिए, अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह किसकी प्रतिक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, तो वह उन्नति को तो भूल जाता है भाई और दूसरे कार्यों में ही वो मग्न होने लगता है। ईर्ष्यालु शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन सा है, इसलिए दोस्तों आपको बता दूं कि जो प्रत्यय होते हैं आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, प्रत्यय शब्द के क्या होते हैं, अंत में लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ईर्ष्या ईर्ष्या है वो आपकी एक प्रकार की पूरा वर्ड होता है ईर्ष्या। ठीक है, अब आपको इसके लास्ट में जो प्रत्यय है वो देखना है। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक सीधी सीधी बात है ईर्ष्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अपठित आपको एक गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछे रहा है कि अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी में सोना उपजाऊँ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगत की जननी इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। तो इस प्रकार से एक आपको क्या दिया गया है भाई, पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है और प्रश्नों के आंसर देना है। देखिए, खुशहाली अगर हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी वो तो पहले वाली लाइन पढ़ दी मैंने, अंबर किसकी चादर बने हैं, दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की या फिर सुखों की। तो पहली लाइन में पढ़ा हमने, अंबर बने सुखों की चादर, तो किसकी चादर बनेगी भाई, सुखों की। देखिए कितना ईजी है, ये मिट्टी किसकी जननी है, जगत की जननी है भाई, ये भी आपको पहले लाइन में मिल जाएगा। देखिए, यह मिट्टी में सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगत की जननी, जगत की जननी का मतलब हो गया जो पूरा संसार है उसकी जननी है, उसको मतलब इस मिट्टी के माध्यम से वो पैदा हुए एक प्रकार से। यहाँ पर देखिए, कवि किसके बीज बोना चाहता है, देखिए ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, बीज प्रेम के बोना, ठीक है, तो किसके बीज बोने की बात कर रहा है, वो प्रेम के बीज, तो आपको यहाँ पे प्रेम कर देना है। कवि किस प्रकार के साधन बनाने के लिए आह्वान करता है, तो कर्म योग के साधन। श्याम सलोना क्या पीकर मुस्कुराता है, तो दूध दही। ये देखिए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, का देखिए, दूध दही पी मुस्कुराए। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा, बहुत आसान सा आपको जो है वो गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा जिनको आपको करना है।
अंबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश या फिर अनंत। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, तो शीर्षक भी आपको बता देना है भाई क्या है। अब देखिए यहाँ पे खंड ब पूछा गया है जिसमें आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या तो आप सभी जानते हैं, व्याख्या में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट होता है, ये जो गद्यांश या पद्यांश होता है, ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, क्या इसमें कहा गया है, बस ये चीज़ें आपको लिखनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया जाएगा जिसकी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इस प्रकार के जो गद्यांश पद्यांश होंगे वो आपके क्या होंगे, पढ़े हुए होंगे, आपकी बुक के होंगे। आप ईमानदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्वस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। तो ये भी आप पढ़ लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे अथवा में दो दो दिए जाएँ, को सब आप कर सकते हैं। देखिए खाली स्थानों की आपको क्या करनी है, पूर्ति करनी है। गलता लोहा द्वारा रचित कहानी है, तो किसके द्वारा रचित कहानी है भाई, दो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका सही है वो टिक करना है भाई। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चरित्र नामक संग्रह के है वो कहाँ से लिया गया है? पंथेर पंचोली फिल्म की जो शूटिंग का काम है वो कब तक चला था भाई, 2.5 साल तक चला था, 1.5 साल तक चला था। मीरा के गुरु कौन थे भाई, मीरा के गुरु रेदास। ठीक है, तो रेदास की सती आपने पढ़ी होगी, जो कि हमारा जो कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सा एक किला है, गढ़ है, कहाँ पे है वो, चित्तौड़गढ़ है भाई, वहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, वे आंखें पतंजलि के दौर की कविताएं, ये किसके द्वारा लिखी गई है? एक कंठ विश्व पाई गीति नाट्य किसके द्वारा रचित है? अब देखिए यहाँ पे आगे वाले जो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। ठीक, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्करण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया? देखिए 2.5 साल, अब यहाँ पे आपको पूछा गया था, देखिए 2.5 साल आंसर मिल गया ना, तो इससे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आप पेपर को पढ़ेंगे ना, एक दो प्रश्नों के आंसर तो आपको उसी में मिल जाते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं के जो भी पेपर होंगे इंपॉर्टेंट करके सारे आपको मिल जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर भी आ चुके हैं। ठीक है, बंगाल विभाजन की योजनाएं किसने बनाई थी? स्पीति के बौद्ध विहारों ने किसको लूटा था? सुमित्रानंद पंत ने वे आंखें में संवेद वाहक किसे बनाया था? इसके बाद देखिए यहाँ पे पदिक कविता किस काव्यांश से संकलित है? मीरा की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? तो दोस्तों मीरा किस प्रकार की भक्ति, देखिए सगुण और निर्गुण दो होते हैं। सगुण मतलब जो डायरेक्ट किसी ईश्वर को मान के करते हैं, तो मीरा की कौन सी थी भाई, सगुण ही थी। उन्होंने किसको माना था भाई, श्री कृष्ण जी को माना था भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए धन राम को मोहन के किस व्यवहार पर आचरित होता है और क्यों? नमक का दरोगा। दोस्तों ये प्रश्न रट लेना भाई, नमक का दरोगा वाला 4 से 5 नंबर का भी आशा आ जाता है, छोटा और बड़ा दोनों आते हैं भाई इससे। कृष्ण सोबती अथवा सुमित्रानंद पंत में से किन्हीं एक का साहित्यिक परिचय आपको देना है भाई। अब देखिए यहाँ पे संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ा? अपनी कल्पना में लिखिए। दोस्तों मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अब उसको क्या करना है कि एक संदेश ग्रहण करने और भेजने, मतलब कोई संदेश आया तो वो क्या पढ़े, क्या समझे, अगर उसको किसी को भेजना भी है तो क्या लिखे, क्या करे, इस प्रकार की अगर मान लीजिए कोई घटना किसी के साथ होती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के एक पंक्ति में आपको उत्तर देने हैं। लय कितने प्रकार की होती है? इसके बाद रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? लेखिका बेबी हलदार को अपनी बाकी याद क्यों आई? लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी? देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। किराए के मकान में रहते हुए बेबी हलदार चिंतित क्यों थी? राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? जैसे इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुएं, देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि जनरल लैंग्वेज के भी रिलेटेड रहते हैं अपना। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपको देख लेने हैं भाई। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है जिसमें आपको निबंध का रचना करना है, बेटी बचाओ, कोरोना, स्वच्छ भारत और विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका। तो ये था दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा 11वीं के लिए अनिवार्य हिंदी का पेपर। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या लगता है भाई, अनिवार्य हिंदी का पेपर लगता है, इंग्लिश का पेपर लगता है? ये प्रश्न पत्र अभी से आप तैयार कर लें, अपने दोस्तों को फैला दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि पेपर है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं भाई, इंपॉर्टेंट करके सारे याद कर ले। ठीक है, बाकी कमेंट कर देना भाई, आपका कोई भी प्यारा सा कमेंट हो तो। धन्यवाद।